हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुरु व्लॉग्स। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि क्या वो कनाडा का स्टडी वीज़ा पीटी स्कोर के साथ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। सो, आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना मेरे लेटेस्ट ब्लॉग एंड वीडियोज़ के लिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो मार्केट है समटाइम्स अप जाती है, समटाइम्स डाउन जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। जब मार्केट डाउन जाते हैं तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, और जब अप जाती है तो वो बिल्कुल वो शेयर्स खरीदते हैं। इट मींस थोड़ा ट्रेंड ऐसा चलता है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो बिल्कुल इन्वेस्ट करते हैं, अगर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है तो वो इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। सो सिमिलर सिनेरियो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा में पीटी केस का है। अगर हम बात करें 2 से 3 साल पहले, मतलब कोविड से पहले की बात करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पीटी स्कोर पर वीज़ाज आते थे। बट उसके बाद क्या है कि पीटी स्कोर पे जो वीज़ाज आना कम हो गए, रिफ्यूज़ल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो, उसके बाद मैक्सिमम कंसल्टेंट्स ने, जो भी एक्सपर्टीज़ हैं, उन्होंने एडवाइस करना शुरू कर दिया कि आप पीटी पे फाइल मत लगाइए, आप आइल्स कीजिए अगर आप कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। बट बहुत सारे एजेंट्स एंड कंसल्टेंट ऐसे भी हैं जो पीटी स्कोर पे ही फाइल बच्चों की कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हैं, और उनका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ जाता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपकी प्रोफाइल वीक है, लाइक आपने पीटी कर रखी है, डुलिंगो कर रखी है, आपका गैप काफ़ी ज़्यादा है, आपके एकेडमिक स्कोर कम है, आपके जो कोर्स है वो इररिलेवेंट है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो वीक प्रोफाइल को शो करती हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है। सो, अगर ट्रेंड अच्छा चल रहा है तो आपका वीक प्रोफाइल के साथ भी वीज़ा आ जाता है। अगर ट्रेंड अच्छा नहीं चल रहा तो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स के भी रिफ्यूज़ल्स आते हैं। सो, जो भी स्टूडेंट्स कनाडा पीटी स्कोर पे अपनी फाइल अप्लाई कर रहा है, तो मैं उनको 2-3 टिप्स ज़रूर देना चाहूँगा। जो पहला टिप रहेगा, मेक श्योर अगर स्टूडेंट्स ने पहले आइल्स नहीं दी हुई कभी भी, तो वो आइल्स के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ने पहले काफ़ी टाइम्स आइल्स के एग्ज़ाम दिए होते हैं और उसका स्कोर अच्छा नहीं आता, तो देन वो सेकंड ऑप्शन पीटी पे जाता है। तो अगर आपने आइल्स नहीं दी हुई है, मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने आइल्स का एग्ज़ाम पीटी के एग्ज़ाम से पहले नहीं दिया हुआ, तो पहली प्रेफरेंस अपने आइल्स को दीजिए। सो, टिप नंबर 2, अगर आप पीटी स्कोर के साथ अपनी प्रोफाइल लगा रहे हैं, मेक श्योर आपके ओवरऑल एकेडमिक स्कोर भी अच्छे हों और जो कोर सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। टिप नंबर 3, ट्राई कीजिएगा कि आप डिप्लोमा कोर्सेज़ को अवॉइड करके डिग्री कोर्सेज के साथ जाइएगा, और कॉलेज प्रेफरेंस की जगह यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस को चूज़ कीजिएगा। एंड लास्ट एडवाइस, ट्राई कीजिएगा कि आप रिमोट लोकेशन में जाएं। मेरे कहने का मतलब है, जो मेन लोकेशन है हमारी ओंटारियो बीसी, आप उसको अवॉइड कीजिएगा। सस्केचवन, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कोशिया, ये बहुत सारी आउटर प्रोविंसेज हैं, इनमें अप्लाई कीजिएगा पीटी के साथ, तो देर आर हाईली चांसेस टू अप्रूव योर वीज़ाज। जो भी स्टूडेंट्स पीटी के साथ अपना कनाडा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो वे टिप्स को ध्यान जरूर रखिएगा। सो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा पीटी स्टूडेंट्स के लिए, यही मेरी एडवाइस है। सो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।